गाइज रिसेंटली चैनल ने क्रॉस करे हैं 25K सब्सक्राइबर्स, जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है 50K का, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये नेक्स्ट टारगेट हम अचीव कर पाएँ जल्दी से जल्दी। तो चलो गाइज इट्स टाइम टू अनबॉक्स द वन प्लस नॉट टू पैकमैन एडिशन, लेट्स गो। गाइज ये है वन प्लस नॉट टू पैकमैन एडिशन, और जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, एकदम इस बार वाइट टोन में मिला है हमें बॉक्स। तो ये बेसिकली कवर है इसका, बॉक्स मेरे ख्याल से इसका असली अंदर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी डिफरेंट है इस बार, स्पेशल एडिशन फ़ोन है और स्पेशल पैकेजिंग यहाँ पे हमें मिलती है। तो यहाँ ऊपर की साइड लिखा हुआ है पैकमैन, तो ये थोड़ा शाइनी टाइप में है और लाइट में डिफरेंट एंगल पे जो है इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं। और ये बॉक्स की जो पैकेजिंग है ये पैकमैन की थीम पर ही है, तो इसके ऊपर जो है सारी यहाँ पर डॉट डॉट डॉट्स बनी हुई हैं सारी साइड्स पर, और यहाँ नीचे छोटा सा पैकमैन भी देखने को मिल जाता है। और अब पीछे आते हैं, यहाँ पे तो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ लिखी हुई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है वन प्लस नॉट टू, उसका कलर जो है वो है पैकमैन एडिशन। तो मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे अक्टूबर 2021, प्राइस जो है यहाँ पे अभी लिखा नहीं हुआ है। और अगर हम थोड़ा नीचे की साइड आए तो यहाँ लिखा हुआ है पैकमैन एडिशन, रैम जो है 12 GB है और रोम जो है 256 GB। और यहाँ नीचे की साइड जो है इसका वेट की इन्फॉर्मेशन और सार वैल्यू की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। कुछ लीक्स कह रहे थे कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें मीडिया टेक वाला ही प्रोसेसर मिलता है। लेट्स गो, ओ वाओ। तो अंदर की साइड से जैसे आप पैकेजिंग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। सो कुछ इस तरह से जो है ये पैकेजिंग खुल जाती है और अंदर काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और येलो कलर है जो कि अपना एक वन ऑफ द फेवरेट कलर है, तो काफ़ी सही लग रहा है देखने में। तो गाइज ये है वन प्लस नॉट टू पैकमैन एडिशन का फोन का एक्चुअल बॉक्स, ऊपर की साइड लिखा हुआ है पैकमैन और नीचे है वन प्लस की ब्रांडिंग। और जो बॉक्स है वो पूरा ऐसे टेक्सचर सा फील हो रहा है इसके ऊपर, और जो यहाँ पे पूरा है हमारे पास मेजेस ही मेजेस बने हुए हैं इसके ऊपर, तो बॉक्स को देख के ही स्पेशल एडिशन वाली जो फील है वो बिल्कुल आ रही है यहाँ पे। तो बॉक्स जो है वो लाइट के अंदर काफी ज्यादा शाइन करता है, और आप प्रॉपर मेजेस वगैरह देख सकते हैं, बीच में वन प्लस का लोगो भी है और यहाँ पे नॉट भी लिखा हुआ है। तो बॉक्स के साइड में लिखा हुआ है वन प्लस नॉट टू पैकमैन एडिशन। तो अब बॉक्स को जो है ओपन कर लेते हैं। तो गाइस अगेन अंदर के बॉक्स पर भी पैकमैन लिखा हुआ मिल जाता है, नीचे लिखा है वन प्लस, और इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है। ओह वाओ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे स्माइलीज बने हुए हैं, काफी सारे फेसेस बने हुए हैं, और ये पूरी टीम के जो है यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, टोटल 28 नाम है और 28 लोगों की टीम है ये पूरी, तो काफी कूल लग रहा है ये। और पीछे की साइड देखते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रीटिंग्स मिल जाती हैं, और आप अगर इंटरेस्टेड हो उसको पढ़ने में तो आप यहाँ पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। तो नीचे की साइड हमें मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, और अगेन यहाँ पे जो है हमें स्पेशल एडिशन की थीम देखने को मिल जाती है। तो गाइज यहाँ पे जो है हमें पैकमैन की गेम मिल जाती है, इन फेमस लेवल 256 वाली। तो गाइज फोन में कुछ हिडन ईस्टर एग्स भी हैं जो हम गेम्स खेल के या सीक्रेट कुछ मिशंस करके जो है अनलॉक कर सकते हैं, तो ये भी देखना काफ़ी कूल होगा। तो गाइज नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास मेंबरशिप कार्ड, और यहाँ पे रेड केबल कार्ड एज यूजुअल। उसके बाद हमें जो है ये काफ़ी कूल वन प्लस नॉड के जो है स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, येलो कलर में नॉड आ गया है, क्या बात है। तो उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड, तो पूरी फ़ोन की डिटेल जो है यहाँ पीछे मिल जाती है, और साथ में हमें मिलता है सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। तो गाइज ये है हमारा चमचमाता हुआ नया वन प्लस नॉट टू स्पेशल एडिशन फ़ोन। तो फ़ोन पे मैं अभी आता हूँ, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। काफ़ी स्टाइलिश वे में लिखा हुआ है यहाँ पे दिस वे नॉड, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी शाइन मार रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं पहले यहाँ पे क्या मिलता है हमें। ओके, तो ये है हमारा फास्ट चार्जर, तो ये है वॉप चार्ज 65, USB-C पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे। तो गाइस फ़ोन निकाल लेते हैं। वाओ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी हल्का फील हो रहा है। जब से मैंने आईफोन यूज़ करना शुरू किया है उसके बाद से एंड्रॉयड वाले फ़ोन काफ़ी हल्के मतलब फील होने लग गए हैं। तो इसको मैं रखता हूँ अभी यहाँ पे, और नीचे की साइड देख लेते हैं क्या मिलता है और हमें। तो यहाँ पे हमें अपनी रेगुलर USB-C टू USB-C केबल जो है मिल जाती है, द फेमस रेड केबल। तो गाइस अब फटाफट जो है सबसे मेन चीज़ चेक कर लेते हैं, जो कि है हमारा स्पेशल एडिशन फ़ोन। तो जैसा कि आप देख सकते हो आगे से तो ये नॉट टू जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, जो मगर असली चीज़ है वो है इसके बैक साइड में।
तो आप देख सकते हो काफी ग्लॉसी जो है यहाँ पे बैक मिलती है हमें। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे पैकमैन बना हुआ है और ये सब पैकमैन जो डॉट्स है वो पैकमैन का खाना है ऑफ कोर्स। और ये भी रिफ्लेक्टिव है तो लाइट पड़ने पे थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। नीचे हमें वन प्लस का लोगो मिल जाता है। तो यहाँ पे नीचे जो है पैकमैन एंड बैंडाई नैमको एंटरटेनमेंट इंक का जो है नाम लिखा हुआ है। वन प्लस ने जो है इनके साथ ही पार्टनरशिप में ये फोन बनाया है। तो यहाँ कैमरे के साइड पे लिखा हुआ है वन प्लस इंटू पैकमैन, पैकमैन एडिशन के नाम पे। और एक चीज मैंने अभी नोट किया, जैसे मैं बैक को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा ग्लो सा इफेक्ट आ रहा है बैक में। दिस इज रियली अमेजिंग। तो गाइस साइड पे देखते हो अलर्ट स्लाइडर जो है उस पर एक्सेंट कलर मिल जाता है डार्क ब्लू कलर का। तो जो पहली बार नॉट 2 का फोन देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि नीचे की साइड जो सिम इजेक्टर टूल है, यहाँ पे हमें माइक मिल जाता है, यूएसबी सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए, एक स्पीकर ग्रिल है और यहाँ साइड पे अलर्ट स्लाइडर है, पावर बटन है, देन यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की साइड एक माइक और मिल जाता है। पीछे की साइड जो है हमें तीन कैमरा लेंस मिल जाते हैं। जो मेन कैमरा लेंस है वो है 50 मेगापिक्सल का IMX766 सेंसर सोनी का। दूसरा हमें यहाँ मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा यहाँ मिलता है 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस। और साथ में हमें यहाँ पे ड्यूल फ्लैश देखने को मिल जाती है। और आगे की बात करें तो आगे की साइड हमें जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का और ऊपर की साइड जो है हमें यहाँ पे स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। गाइस अब मैं फोन को जो है ऑन कर लेता हूँ फटाफट। हियर वी गो। तो वन प्लस ने जो है यहाँ पे कस्टम आइकन दिए हैं और काफी सारे कस्टम वॉलपेपर्स भी दिए हैं पैकमैन थीम से रिलेटेड, तो उनको चेक करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ओ वाओ, बूट एनिमेशन भी काफी बढ़िया है, पैकमैन वाली थीम में आ रही है पूरी। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ ऊपर हमें NFC का आइकन दिख रहा है, तो फोन जो है वो NFC को भी सपोर्ट करता है। NFC का जो सेंसर है वो इस साइड पे है। गाइस जैसे कि देख सकते हो फिंगरप्रिंट वाला जो एरिया है उस पर भी जो है हमें कस्टम थीम मिलती है, बीच में पैकमैन बना हुआ है। गाइस फाइनली सेटअप कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं जो स्क्रीन है मेन वॉलपेपर है वो कैसा मिलता है इस फोन पे। ओ वाओ, ये क्या सीन है। तो गाइस यहाँ पे जो है एक गेम सी आई थी और तो लेवल जो 256 है वहां पे जो है हमारा पैकमैन जो है वो अटक गया है और उसको हमें जो है निकालना है वहां से। ओह वाओ, वॉलपेपर काफी मस्त लग रहा है। टेक्स्ट भी है जो विजिट का वो येलो कलर में आ रहा है यहाँ पे। ओह, नोटिफिकेशन की साउंड भी थोड़ी डिफरेंट है और ये नोटिफिकेशन का लेआउट भी थोड़ा डिफरेंट है। ओह वाओ, काफी अमेजिंग लग रहा है ये। तो यहाँ पे जो है एक अपडेट ऑलरेडी आई हुई है फोन पे और आप देख सकते हो जो थीम है वो कैसी है यहाँ पे। बेसिकली ब्लू एंड येलो की थीम जो है हमें मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ नीचे छोटा सा पैकमैन भरा हुआ है, काफी सही लग रहा है और खा जाता है उसको। वाओ, तो ये छोटी सी चीज जो इन्होंने ध्यान दिया वो काफी सही है। पैकमैन जो है वो डॉट खा जाता है, हम इधर उधर जाते हैं तो जैसे इधर इधर काफी अमेजिंग लग रहा है। वन प्लस की ऐप के जो आइकन्स हैं वो हमें डिफरेंट मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कैलकुलेटर, क्लॉक, कम्युनिटी। गाइस हमें यहाँ पे जो है पैकमैन 256 वाली जो है गेम मिल जाती है यहाँ पे। तो गेम फटाफट गेम ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। तो गाइस इससे पहले मैंने कभी ये वाला लेवल तो मैं मतलब पहुंचा ही नहीं हूँ यहाँ तक, तो काफी इंटरेस्टिंग था, तो काफी मजा आएगा इसको खेलने में, तो इसको मैं बाद में ही खेलूंगा, अभी इसको बंद करते हैं। तो गाइस और काफी सारे जो है हमें यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं इस फोन में। तो वॉलपेपर वगैरह भी हैं, 3-4 हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं सारे के सारे, काफी डिफरेंट से हैं, काफी बढ़िया लग रहे हैं। तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है वॉलपेपर, सारे वॉलपेपर काफी अच्छे हैं एक्चुअली में। फोन जो है एंड्रॉइड 11 पे रन कर रहा है, सिक्योरिटी पैच है सितंबर का। तो 256 GB में से 20 GB यूज है, बाकी सारी फ्री है। 12 GB में से जो है 4 GB यूज में है, बाकी सारी फ्री है मेमोरी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें जो है रैम बूस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है अगर जरूरत हो तो बट 12 GB जो है वो सफिशियंट होनी चाहिए। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी जो है वो कस्टम यहाँ पे हमें मिलती है पैकमैन एडिशन वाले फोन पे। और यहाँ पे एम्बिएंट क्लॉक वाला भी जो है हमें डिफरेंट मिलता है पैकमैन एडिशन की थीम में मिलता है येलो कलर में। और अगेन आइकन पैक जो है हमारे पास यहाँ पैकमैन का आइकन पैक अलग से मिलता है हमें, और अगर आप चाहो तो डिफॉल्ट वाले भी यूज़ कर सकते हो।
तो गाइस जैसा कि देख सकते हो पूरा का पूरा फोन ग्लो हो रहा है और काफी जबरदस्त लग रहा है। पूरा यहाँ पे मेज बना हुआ है और बीच में है वन प्लस का लोगो और नीचे लिखा हुआ है नॉर्ड। तो पूरी वही थीम है जो फोन के बॉक्स में मिली थी। काफी सही लग रहा है, काफी जबरदस्त ग्लो हो रहा है गाइस, काफी अमेजिंग है ये फोन। तो गाइस जैसा कि आपने देखा नाइट में काफी जबरदस्त ग्लो होता है ये बैक, और वैसे अगर आप देखोगे तो इतना पता नहीं चलता कि इस पे कुछ ऐसा मेज वेज जैसा कुछ बना होगा, बट अंधेरा होते ही जो है सारे राज खुल जाते हैं। वन प्लस नॉट टू जो है वो एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज फ़ोन है मेरे हिसाब से। तो इसका जो कैमरा है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा 30,000 की रेंज में। गाइस ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, काफ़ी फन फ़ोन है, बहुत ही मज़ा आया मेरे को तो अभी तक इसको यूज़ करने में। फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी आप देख सकते हो कैसे घूमता जाता है, और ये जो हमारा वॉलपेपर है लाइव वॉलपेपर है तो आप देख सकते हो कैसे इफेक्ट आता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो एकदम बढ़िया लग रहा है। जो बैग जो है वो पूरी ग्लास वाली है तो ज़बरदस्त। तो गाइस यहाँ नीचे की साइड पे भी कुछ है, यहाँ लिखा हुआ है लिफ्ट हेयर, तो आई थिंक ये मेरे से मिस हो गया, तो फटाफट इसको भी खोल के देख लेते हैं। तो गाइस बॉक्स के नीचे भी कुछ खजाना है, उसको देख लेते हैं। खुल जा सिम सिम। ओह सो यहाँ लिखा हुआ है केस, नाइस। तो केस जो है वो यहाँ नीचे की साइड छुपा हुआ था, ऑलमोस्ट मेरे से मिस हो ही गया था ये। तो गाइस फटाफट चेक कर लेते हैं। वाओ वाओ। तो गाइस ये है पैकमैन एडिशन का केस, स्पेशल केस है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा है, इतना वो सॉफ्ट वाला मटेरियल नहीं है इसका। यहाँ पीछे पूरा मेज बना हुआ है, पैकमैन है और वन प्लस काफ़ी स्टाइलिश लिखा हुआ है। नीचे की साइड अगेन यहाँ लिखा हुआ है पैकमैन एंड बैंडाई नैमको एंटरटेनमेंट इंक। और केस जो है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो कैमरा जो है थोड़ा यहाँ प्रोटेक्टेड रहेगा। साइड में हमें कटआउट मिल जाते हैं प्रॉपर, नीचे की साइड, ऊपर की साइड और साइड्स में। फ़ोन को केस में लगा के देख लेते हैं, तो ईजिली फिट हो गया है और फ़ोन कुछ इस तरह से दिखता है केस के साथ। अगेन जो लाइन्स है वो रिफ्लेक्टिव है और लाइट में जो है कलर इनका चेंज होता है, तो काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी फंकी है। तो गाइस यहाँ पे जो कैमरा का यूआई है वो भी पूरा का पूरा चेंज है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू एक्सेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो है कि वो कि यहाँ पे फिल्टर में हमें पैकमैन का फिल्टर मिलता है, तो आप देख सकते हो ओरिजिनल कुछ ऐसा है और पैकमैन के फिल्टर में ये ऐसा हो जाता है, और आप बीच में देख सकते हो बीच में पैकमैन इधर उधर जाते हुए। तो इस फिल्टर के साथ जैसे आप फोटो खींचोगे तो जो पैकमैन है वो भी आपकी फोटोज में आ जाएगा। तो जैसे ये देखो तो ये पैकमैन डॉट्स को खाते हुए, कूल फिल्टर है ये भी। फोन की बूटिंग एनिमेशन भी काफी कूल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो वन प्लस नॉट टू जो है वो काफी जबरदस्त मिड रेंज फोन है, और जो इसका मेन सेंसर है, मेन कैमरा सेंसर, वो काफी बढ़िया काम करता है। तो डेलाइट में तो काफी बढ़िया पिक्चर्स आती ही आती हैं, बट जो नाइट में नाइट मोड यूज करके भी फोटोज जो है वो काफी जबरदस्त आती हैं। आई नो थोड़े बहुत फ़ोन ब्लास्ट के केसेस आए हैं, बट इनिशियली जो केसेस थे उनमें से काफ़ी सारे जो थे वो फेक थे। और जो अभी रिसेंट एक केस आया है उस पर वन प्लस से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक, तो उसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें जो है वो दोनों साइड से देखनी चाहिए। तो मैंने वन प्लस नॉट टू जो है वो पर्सनली यूज़ किया है कुछ महीने तक, और मेरे को ऐसा कुछ इशू फेस नहीं हुआ था। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो गाइज मैंने पैकमैन गेम का जो गेम प्ले है वो वीडियो के एंड में डाल दिया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।
तो गाइस जो पैकमैन की गेम भी काफी ज्यादा फन है प्ले करने में, काफी बढ़िया टाइम पास हो रहा था।